इंतजार हो रहा था वह फिल्म रौद्रम रणम रुधिरम यानी RRR सिनेमा घरों तक आ जा पहुंची है। पिछले 2 सालों से पूरे देश को बाहुबली फिल्म मेकर राजा मौली की फिल्म RRR का इंतजार था। अब देखना ये कि फिल्म RRR के निर्देशक SS राजामौली की ब्रांड नेम पर खड़ा उतर सकेगा या नहीं। आइए आपको बताते हैं कैसी है ये फिल्म। भारी भरकम बजट वाले इस फिल्म के पहले रिव्यू में इसे शानदार बताया गया। वहीं अभी कुछ समय पहले खबर आई थी कि ये फिल्म पहले दिन बाहुबली 2 का रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। इस बात को लेकर फैंस से लेकर मेकर सब खुश नजर आ रहे थे, लेकिन अब एक ऐसी खबर आई है जिसने सबको हिला के रख दिया है। अजय देवगन और आलिया भट्ट स्टारर RRR का पहला रिव्यू सामने आ गया है। इस रिव्यू के माने तो फिल्म कुछ खास नहीं है। फिल्म के तेलुगु संस्करण देखने के बाद फिल्म के जो शुरुआती रिव्यूज आए हैं उनके मुताबिक फिल्म RRR ने तेलुगु दर्शकों का दिल जीत लिया है। वहीं करीब 8,000 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई फिल्म RRR को अब तक किसी क्रिटिक ने 3 स्टार से कम नहीं दिया है। इस फिल्म को लेकर अब लोगों की राय सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि फिल्म पहले हाफ में कुछ ज्यादा कमाल करने वाली नहीं है, वहीं फिल्म का दूसरा हाफ काफी जानदार है। इस फिल्म के समीक्षकों ने 5 में से 2.75 स्टार दिए हैं, जो एक एवरेज फिल्म को दिए जाते हैं। वहीं फिल्म समीक्षकों ने अपने ट्वीट में दूसरे हाफ की जमकर तारीफ की है और उसे मूवी का बेस्ट पार्ट बताया है। आपको बता दें कि फिल्म RRR से बम्पर ओपनिंग और बॉक्स ऑफिस के पिछले रिकॉर्ड तोड़ने की उम्मीद की जा रही है। वही खबर ये भी आई है कि 15 दिनों से हैदराबाद और तेलंगाना में इसकी एडवांस बुकिंग शानदार तरीके से हो रही है। खबरों की माने तो इस फिल्म के तेलुगु वर्जन के लिए 17 करोड़ की एडवांस बुकिंग अब तक हो चुकी है। वेल, मूवी का असली रिव्यू तो आपको खुद देखकर ही पता चलेगा। तो जाए और मूवी देखे और हमें अपना रिव्यू कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।